सुबह सुबह बिठा दी राइस, राइस भी हो जाएगा और यहाँ दाल भी बिठा दूंगी। दाल को धोकर रख दिया है और यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रहा है गरम गरम पोहा। सैटरडे ब्रेकफास्ट गरम गरम पोहा। तो ये रहा सैटरडे ब्रेकफास्ट। ये रही त्रिशा। त्रिशा गुड मॉर्निंग बोलो मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और त्रिशा की तो आज से समर हॉलीडे स्टार्ट। हाँ समर हॉलीडे स्टार्ट। हाँ और आज एक साथ ही तड़का लगा के दाल बिठा दूंगी क्योंकि मुझे कल का ब्लॉग का एडिटिंग करना है। आधा एडिटिंग हुआ है। दाल चावल बना दूंगी, बाद में कुछ सब्जी बना दूंगी। और अब भी आ गए सारे राशन आ गया। चलो अब 10 दिन किधर बाहर नहीं निकलेंगे। चावल 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 ले लो चावल। ये सब क्या स्नैक्स? तो वो दिन नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा जितना मिला। उसका बालकनी में रख दो, सब पैकेट धो लेंगे। मोबेसिन के अंदर ही सर सब्जी डाल दो। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का काम खत्म होने के बाद यहाँ पे कौन बैठे हैं देखिए। बैठ गए हबी जी। इतने सारे राशन लाकर नहा धो लिए और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वर्क फॉर होम हो रहा है। दाल चावल तो सुबह सुबह ही बना ली थी और पूजा भी जस्ट खत्म हुआ। और ये देंगे कट करके, तभी मैं मीट आलू का फ्राई करूंगी। इसके बाद आज बाबू का हेयर कट होगा। बाबू का इतना बड़ा बड़ा हेयर हो गया, बाहर तो नहीं जाएगा। अभी ही करेंगे बाबू का हेयर कट, इतना बड़ा बड़ा हेयर हो गया है। फिर उसके बाद बाबू नहाएगा। आहा आहा। और कुछ नहीं, बड़ा वाला सिर। बैठ जा चेयर में। नाही साहब आगे बैठ जाओ। हाँ अभी होगा बाबू का हेयर कट। नंदा कर दिया मैं वकील अब का। इनमें इनमें कितना पूरा का गांव चांची देगी पड़ोस जो। घर में खाना बिठा देती हूँ। बीट फ्राई कर दूंगी, इसमें बना दूंगी। इसमें पोहा बनाई थी सुबह।
तो ये कढ़ाई में ही बना दूंगी। तो सिंपल सा बीट फ्राई बनाएंगे, तो डालेंगे कढ़ाई में तेल, अब डालेंगे सरसों, एक ड्राई रेड चिली, अब चना दाल डालेंगे और करी पत्ता। अब डालेंगे ये पटाटो और बीट को जो कट करके रखे थे, हल्दी, चिल्ली पाउडर और नमक भी डाल देंगे, बस इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आज बाबू का आधा मुंडन कर दिया अभी ने, इतना हेयर देखिए। हाँ हाँ हेला हेला, हाँ कुंडल अच्छे हेला है। ये साइज करो बाबू का, कलीटा मोर उड़े दियो नी क्लोज राइस। चिन अप, चिन अप। और रेडी हो गया बीच आलू फ्राई, अभी करते गैस को बंद। हो गया हेयर कट बाबू का, कैसा लगा? बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया है। चल आ जा शैम्पू करके नहा ले। रांखुल रांखुल नहीं, वो डर गया है। फ्राई करूंगी मंजी बड़ी। और ये देखिए त्रिशा की स्टाइल, कुर्ती के ऊपर जींस। आगे ना के आजा आजा आजा। और ये बाबू का हो गया हेयर कट, और बाबू नहा के फ्रेश होकर पूरा आ गया मेरा सुनना सुनना बाबा।
टीवी देखा है? ओके नहीं जाओ। त्रिशा और बाबू मूवी देखकर खाना खाएंगे सो और वो जो मूवी देखेंगे हम लोग देखेंगे नहीं। आ जाओ गुड्डू। अच्छे से ग्रीन हाँ। अब बीट भजा भल अच्छे बस बस बेबी टू का ट्रेलर सैटरडे का सिंपल लंच राइस दाल बॉडी फ्राई और ये है बीट पटाटो का फ्राई। अभी का प्लेट में भी सेम है सिंपल। अभी आगे आगे सिंपल अभी सिंपल खाना है तुम्हारा तो खाना हमेशा सिंपल रहता है। ये सास दी है मेरी ये वाला बड़ी ससुराल से मेरे हाँ तुम्हारी ससुराल का है ये बड़ी सास बनाई थी। हाँ तुम ससुराल गए थे ना इसलिए दिए थे सास ने। आज बड़ा कष्ट में फटे हुए भाता जी को चलो बड़े बड़े बढ़िया है बहुत बढ़िया है। अच्छा तो लग रहा है चिल्ली दे दो चिल्ली ओके जी ए सही डाल डाल रे पूरी बाबू का हेयर कट कैसा लगा जरूर बताइए। बाबू का बार्बर कैसा लगा बाबू का बार्बर भी कैसा लगा जरूर बताइए। परमानेंट बार्बर अभी तो बाबू नेक्स्ट टाइम भी शायद हम लोग नहीं छोड़ेंगे तीन चार महीना भी बाहर नहीं निकलेंगे किधर भी ऐसा लग रहा है देखते सिचुएशन कैसा होता है नहीं। और मेरे बार-बार कब आएगी पता नहीं। सिल्लू बार-बार को बुलाएंगे तुम्हारे मेरा सिल्लू बार-बार को बुलाएंगे हाँ। तुम्हारे लिए तो सिल्लू बार-बार पीटे हाँ? वो बेचारा उधर बैठा होगा एक बार में 6 रुपए ना 5 रुपए कितना लिया था बॉडी वजह रहती है उड़ी वो भात तो दास जाऊं नहीं बेटू ये वहाँ माचा देती नहीं माचा तो खाऊं नहीं। ये जो बीट फ्राई साउथ का स्टाइल में है बस ऊपर से थोड़ा सा क्या कोकोनट डालना था कोकोनट नहीं है ये तो पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में है ना कोकोनट का है ट्री में हमारा हाँ दुनिया में है हमारे घर पे नहीं है। तुम की कोबी छोड़ो पोटलो कोसा लगो तुम खाया ना छाता लगो तुम छाता लगो पोटलो धोड़ो ना कोबी कोसा लगो खाया ना छाता लगो ना पापा भातड़ी दिखाई दे लो ना मैं खाई ठीक है ना भातड़ी ना ना आज हम भी फास्ट हो गए त्रिशा भी फास्ट हो गई सौरभ भी खा लेगा पर आज मेरी प्लेट खत्म होने के लिए ना बहुत टाइम लगेगा। पर कभी कभी भेज भी खाना चाहिए जैसे गुरुवार को मैं खाती हूँ कभी कभी हाँ गुरुवार को मैं खाती हूँ तो हफ्ते में एक दो बार खाना चाहिए इतना हेल्दी फूड इतनी स्वाद लग गया चटनी खाई दोगे भगवान तुम्हारे भेज खाया चटनी के देख लेना इंस्पायर हो चीजें खाई पाऊंगी मतलब बाबूजी इतने अच्छे से वो भैंस को भी खा लेते ना इतना मैं इंस्पायर होती हूँ ऐसे लगता है मैं भी इसे चाट के खा लूंगी पर मुझसे नहीं होता मैं सब खाऊंगी पर धीरे धीरे बैठ बैठ के मैं इतना जल्दी नहीं खा पाती। देखिए बहुत टेस्टी बना हाँ टेस्टी तो है मुझे भैंस में इतना खिला दूँ आज चलो हबी के हाथ से खाने का सौभाग्य मिलेगा अचार नहीं अचार थोड़ा जल्दी जल्दी चला जाएगा रुको नहीं। कैसा है अच्छा लग रहा है अभी अभी खाना जा रहा है अमृत
इसका हड्डी ऐसे पैम्पर करते हैं वाइफ को, तो अभी बताइए कौन है कबाब में हड्डी, बंद करो अभी कबाब में हड्डी को। कौन है दुश्मन? कौन है? अड़बड़े ये तो पक्का दुश्मन है, इसको बंद करो। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥିବାର ଅଛି କି ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ନାହିଁ ପୁରା ଫିନିଶ ହୋଇ ଖାନା बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद मालूम पड़ेगा, जब देखेंगे कि हाँ इतना प्यार करते थे, जब झगड़ा करोगे ना तब देखोगे देखो ना कितना प्यार करते थे, अभी क्या हो गया। बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद, बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद खाली प्यार होगा, मुझे डेडी खिलाओ। और फ्रेंड्स आज का ये प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइए, तो जरूर कमेंट करके बोलिए फ्रेंड्स जिस जिसको अच्छा लगा, और जिनके बाद मुझे आप भी खाना खिलाए मैं उनको खिला देती हूँ, जैसे वो ऑफिस के लिए कभी लेट होता है, हाँ पकड़ो जैसे ऑफिस के लिए जाना होता है ना तो मैं खिला देती हूँ, नहीं तो कुछ काम करते हैं तो मैं खिला दी हूँ, और वो मुझे बहुत साल के बाद आज खाना खिलाए, बहुत साल के बाद अचानक खुद से बोले कि मैं खिला दूँ, तो मैं वो गोल्डन चांस कैसे मिस करूँ, मैं बोले हाँ खिला दो, तो अच्छा लगा। मेरे मम्मी के बाद मुझे याद आ गई, मेरी मम्मी मुझे खिला देती थी, और अभी भी कभी कभी जैसे बीमार पड़ती हूँ ना तो कभी कभी प्रेस करके खिलाते हैं, और डिलीवरी के टाइम जैसे मैं बोली थी तब खिलाते थे सारे फ्रेंड्स, और जो जो कपल है कभी ना कभी उनका हबी उनको खिलाते हैं, वो हबी को खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं लोग नहीं खिलाते, खिलाना चाहिए, प्यार तभी बढ़ता है, सब साथ में खाना चाहिए, साथ में हमेशा खाना चाहिए, दिन का चाहिए एक मील भी हो साथ में खाना चाहिए, सारे फैमिली मेंबर को, सिर्फ कपल्स को नहीं सारे फैमिली मेंबर को मिलकर एक बार भी खाना खाना चाहिए। हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना बहुत सारे बातें करते हैं, बच्चों के बारे में हो या हमारे बारे में हो, यही होता है हमारा क्वालिटी टाइम। मेरी ब्लॉग में तो ये शायद मैं जब तक ब्लॉग बनाऊंगी ये पार्ट तो रहेगा हमेशा, खाने वाला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग फिर यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय स्टे सेफ स्टे होम बाबू क्या हो रहा है, स्टे सेफ स्टे होम फ्रेंड्स, स्टे सेफ स्टे होम। आज ना ज्यादा प्यार आ गया, थैंक यू। मैं तो तुमको बोलना चाहिए, हाँ जैसे अभी इस बार भी मैं घर गई, अच्छा बना था एक्चुअली, बहुत सिंपल था लेकिन वीट और आलू का जो फ्राई था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो मैं एक मुझे थोड़ा भेज ना ऐसे करेला उतरता नहीं, हाँ करेला आता तो मैं खा लेती, मुझे पता नहीं करेला दाल चावल दे दो ना मैं खा लेती, पर बीट हो गाजर हो जो मीठा वाला सब्जी वो थोड़ा मुझे कम पसंद है, बड़ी खा करके मेरे गले से गया, और हबी थे बोल के खिलाए वो तो मेरा अमृत। इस बात में एक क्वेश्चन पूछूं, फ्रेंड्स अगर रश्मि को दो ऑप्शन दिया जाए, मुझे पूछ रहे हो ना फ्रेंड्स को पूछ रहे हो, फ्रेंड्स को पूछ रहा हूँ, फिर मुझे बोला एक क्वेश्चन पूछू कर, हाँ ठीक है बोलो। अगर दो क्वेश्चन पूछा जाए कि रश्मि को हबी का हाथ से खाना पसंद, हबी का हाथ का खाना, हबी अरे दूसरा क्वेश्चन सुनो, अच्छा ओके, या फिर नॉन वेज खाना है, फ्रेंड जो जो कमेंट करना चाहते हैं ये कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो आंसर मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आपके कमेंट के आने के बाद मैं उसमें कमेंट करूँगा, प्लीज कमेंट बिलो अबाउट दिस ऑप्शन।